नमस्कार दोस्तों, स्टडीपुर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नथुराम गोडसे के जीवन के बारे में आपको बताएंगे। नथुराम गोडसे देशभक्त थे या देशद्रोही, यह वीडियो देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नथुराम का जन्म 19 मई 1910 को भारत के महाराष्ट्र राज्य में नाशिक के निकट मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता विनायक वामनराव गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और माता लक्ष्मी गोडसे एक गृहिणी थी। नाथुराम के जन्म का नाम रामचंद्र था। इनके जन्म से पहले इनके माता पिता की संतानों में 3 पुत्रों की अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई थी। केवल एक पुत्री ही जीवित बची थी, इसलिए इनके माता पिता ने पुरुष संतानों के जीवन पर श्राप समझकर ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि अब कोई पुत्र हुआ तो उसका पालन पोषण लड़की की तरह किया जाएगा। इसी मान्यता के कारण बालक रामचंद्र की नाक बचपन में ही छिदवा दी गई और मान्यता अनुसार रामचंद्र को बालकाल में अपने नाक में एक नथ भी पहनना पड़ता था। इसी के कारण बालक रामचंद्र को नथुराम के नाम से बुलाया जाने लगा। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण नथुराम की बचपन से ही धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि थी। इनके छोटे भाई गोपाल गोडसे के अनुसार ये बचपन में ध्यान अवस्था में ऐसे ऐसे विचित्र श्लोक बोलते थे जो इन्होंने कभी भी पढ़े ही नहीं थे। ध्यान अवस्था में ये अपने परिवार वालों और उनकी कुल देवी के मध्य एक सूत्र का कार्य किया करते थे, परंतु यह सब 16 वर्ष तक की आयु तक आते आते स्वतः समाप्त हो गया। यद्यपि इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई थी, परंतु हाई स्कूल के बीच में ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी तथा उसके बाद इन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। धार्मिक पुस्तकों में गहरी रुचि होने के कारण रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी के साहित्य का इन्होंने गहरा अध्ययन किया था। अपने राजनैतिक जीवन के प्रारंभिक दिनों में नाथुराम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। अंत में 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी छोड़ दिया और अखिल भारतीय हिंदू महासभा में चले गए। उसने अग्रणी तथा हिंदू राष्ट्र नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। वे मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी विचारधारा का विरोध करते थे। प्रारंभ में तो उसने मोहनदास करमचंद गांधी के कार्यक्रमों का समर्थन किया, परंतु बाद में गांधी के द्वारा लगातार और बार बार हिंदुओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति अपनाए जाने तथा मुस्लिम तुष्टिकरण किए जाने के कारण वे गांधी के प्रबल विरोधी हो गए। 1940 में हैदराबाद के तत्कालीन शासक निजाम ने उसके राज्य में रहने वाले हिंदुओं पर बलात्कार जजिया कर लगाने का निर्णय लिया, जिसका हिंदू महासभा ने विरोध करने का निर्णय लिया। हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष के आदेश पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का पहला जत्था नाथुराम गोडसे के नेतृत्व में हैदराबाद गया। हैदराबाद के निजाम ने इन सभी को बंदी बना लिया और कारावास में कठोर दंड दिए, परंतु बाद में हार कर उसने अपना निर्णय वापस ले लिया। 1947 में भारत का विभाजन और विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा ने नाथुराम को अत्यंत उद्वेलित कर दिया। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए 20वीं सदी की उस सबसे बड़ी त्रासदी के लिए उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी ही सर्वाधिक उत्तरदायी समझ में आए। विभाजन के समय हुए निर्णय के अनुसार भारत द्वारा पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 20 करोड़ दिए जा चुके थे। उसी समय पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर प्रांत पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय किया, परंतु भारत सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध गांधी अनशन पर बैठ गए। गांधी के इस निर्णय से क्षुब्ध नाथुराम गोडसे और उनके कुछ साथियों ने महात्मा गांधी की हत्या करने का निर्णय लिया। गांधी के अनशन से दुखी गोडसे तथा उनके कुछ मित्रों द्वारा गांधी की हत्या योजना अनुसार नई दिल्ली के बिरला हाउस पहुंचकर 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पाहवा ने गांधी की प्रार्थना सभा में बम फेंका। योजना के अनुसार बम विस्फोट से उत्पन्न अफरा तफरी के समय ही गांधी को मारना था, परंतु उस समय उनकी पिस्त और जाम हो गई और वे एकदम न चल सकी।
इस कारण नाथूराम गोडसे और उनके बाकी साथी वहां से भागकर पुणे वापस चले गए, जबकि मदन लाल पाहवा को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नाथूराम गोडसे गांधी को मारने के लिए पुणे से दिल्ली वापस आए और वहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू तथा सिख शरणार्थियों के शिविरों में घूम रहे थे। उसी दौरान उनको एक शरणार्थी मिला, जिससे उन्होंने एक इटालवी कंपनी की बैराटा पिस्तौल खरीदी। नाथूराम गोडसे ने अवैध शस्त्र रखने का अपराध न्यायालय में स्वीकार भी किया था। उसी शरणार्थी शिविर में उन्होंने अपना एक फोटो खिंचवाया और उस चित्र को दो पत्रों के साथ अपने सहयोगी नारायण आपटे को पुणे भेज दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के समय से 40 मिनट पहले पहुंच गए। जैसे ही गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए परिसर में दाखिल हुए, नाथूराम ने पहले उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद बिना कोई विलंब किए अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां मार कर गांधी का अंत कर दिया। गोडसे ने उसके बाद भागने का कोई प्रयास नहीं किया। नाथूराम गोडसे पर मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के लिए अभियोग पंजाब उच्च न्यायालय में चलाया गया था। इसके अतिरिक्त उन पर 17 अन्य अभियोग भी चलाए गए। मुकदमे के लिए नाथूराम को सर्वप्रथम पंजाब उच्च न्यायालय में पेश किया गया। एक वर्ष से अधिक चले मुकदमे के बाद 8 नवंबर 1949 को उसे मृत्यु दंड प्रदान किया गया। हालांकि गांधी जी के पुत्र मनीलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा विनिमय की दलीलें पेश की गई थीं, परंतु उन दलीलों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महाराजपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल तीनों द्वारा ठुकरा दिया गया था। नाथूराम गोडसे को सह अभियुक्त नारायण आपटे के साथ 15 नवंबर 1949 को पंजाब की अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें देशभक्त मानते हो या देशद्रोही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।